आपको पता है ना, अल्लाह भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उन्हें वो अपने पास बुला लेते हैं। नहीं, मुझे मेरी मामा और मेरे डैडी चाहिए। रहला, तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। ये कोई बात है कहने वाली? जाहिर है मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। बहुत सेंसिटिव हो गई ये बच्ची। हम उसके माँ बाप नहीं रहे, मैं उसका बाप हूँ अब और तुम उसकी माँ। अपने खिलौनों के लिए जिद कर रही थी और आपने उसे इतनी बुरी तरह डांटा है, सहम गई है बेचारी। तो और क्या करता? प्यार से समझाते उसे। बच्चे तो प्यार की जबान समझते हैं, नाजुक दिल होता है उनका, सहम जाते हैं। तो ठीक है, तुम समझा देना, अच्छी तरह समझा देना, और ये भी समझा देना कि वो आइंदा समरा के साथ जिद ना करें, क्योंकि ये घर समरा का है, उसका नहीं है। हर चीज समरा की है। ये क्या बात करती है आपने? वही कह रहा हूं जो सच है, और उसे अच्छी तरह समझा दो कि वो समरा के साथ ना तो जिद किया करे ना उसकी बराबरी, समझी? तो राहिला, तुम कब से खड़ी हो यहां? मालूम नहीं, तुम सो ही नहीं रात भर, लगता है यहीं खड़ी रही हो। शायद हां। मगर क्यों? रात को नींद नहीं आई, आती भी कैसे? बेफिक्र हूं तो नींद आए। क्या बात है, बहुत परेशान, बिखरी बिखरी सी लग रही। बिखर गई, सारी रात यहां खड़े होकर खुद को समेटती रही लेकिन सिमट नहीं सकी, सीट बिखर गई। रात की बात पर परेशान? आपकी बात पर परेशान? मेरी बात पर? नासनीन को हम बेटी बनाकर लाए थे, वो बेटी बनकर इस घर में आई थी, बेटी बनकर अपने माँ बाप के घर में आई थी। वो बेटी है इस घर की, इस घर पर जितना आपका मेरा समरा का हक है उसका भी उतना ही हक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नासनीन में और समरा में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं, न फर्क है न था न रहेगा, ये फर्क आप पैदा कर। एक को कमतर समझ रहे हैं, एक को बर्तर समझ रहे हैं। क्योंकि एक उनमें से बर्तर है और एक कुछ भी नहीं। कैसे कुछ नहीं, बेटी है वो हमारी। एक मिनट, एक बात कान खोलकर सुन लो, नाजनीन ना तो तुम्हारी बेटी है और ना मेरी। आप ये सब क्यों कर रहे? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो जिसका हक है वो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और खबरदार, जो आइंदा तुमने इस मौजू पर कोई बात करने की कोशिश की, पहला बस स्टॉप इट। Enough. राजन नू मैं ढूंढने
जिसका नाम है औरत। मजे के सैंडविचेस बनाए मैंने। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? मेरी डॉल। क्या हुआ डॉल को? तुम्हारे पास ही तो थी कल रात। नहीं है वहां पे, पता नहीं कहाँ गुम हो गई, नहीं मिल रही मुझे। अरे बाबा, नहीं गुम हुई होगी, यहीं कहीं तुमने रख दी होगी। नहीं, वो मेरे कमरे में थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई होगी, पैर थे उसके। मिलके ढूंढ लेंगे, अब रोने जैसी शक्ल ना बनाओ। डैडी आने वाले, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? समरा से भी कहो कि अच्छे से कपड़े पहनो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? डैडी कहेंगे कि क्या शक्लें बनाई। सैंडविचेस बनाए मैंने, खाने के नहीं खाने? चलो जाओ, समरा से भी कहो फ्रेश हो जाए। चलो जाओ 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 जाओ। गुड गर्ल। समरा, ये तो मेरी डॉल है। चोर, तुमने मेरे कमरे से मेरी डॉल चुरा ली, चोर से। जी नहीं, ये मेरी डॉल है, लाओ मेरी डॉल, मुझे वापस करो। ये मेरी डॉल है, अब इसे हाथ मत लगाना। अब भी शक्ल देखी है तुमने? मेरी डॉल है, लाओ मेरी डॉल, मुझे वापस करो। ये मेरी डॉल है और अब इसे हाथ मत लगाना। रुको, मेरी डॉल दो। ये मेरी डॉल है, नहीं दूंगी। लेकर भागती हो तो मेरी डॉल मुझे। नहीं दूंगी मैं अपनी डॉल, मेरी डॉल है, नहीं दूंगी मैं। छोड़ो मुझे, मुझे दो मेरी डॉल। क्यों चुराई है तुमने मेरे कमरे से मेरी डॉल? चोरोगी तुम खुद, ये मेरी डॉल है। मेरे मामजी ने कहा था ये सारे खिलौने मेरे हैं। ये मेरी डॉल है, सही है ना? क्यों गई तुम मेरे कमरे में? क्या हो रहा है ये, क्यों इस तरह बात कर रहे तुम दोनों? ये क्या रहा मामा, इसने मेरे कमरे से मेरी डॉल चुरा ली। समरा, कितनी बुरी बात है ये। मेहमान हो ना इस घर में, मेहमान बन के रहो। हंसो। जी नहीं, ये मेरे मामा जी का घर है, तुम कहाँ से आए इस घर में? ये क्या कर रही हो समरा, क्या हो गया आपको? तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। आईना मुझे पे हाथ मत चला। क्या क्या देखे ना, इसने मेरी डॉल चुरा ली। चोर कह रही हो? ये क्या कर रहे हैं आप? ये ज्यादती कर रहे हैं आप। डॉल तो समरा ने चुराई थी ना। तुम उसे चोर कह रही हो? उसे चोर कह रही हो? खबरदार, जो समरा को किसी ने चोर कहा, ये बात कान खोल कर सुन लो, ये घर समरा का है, हर चीज उसकी है। आइंदा अगर किसी ने समरा पे हाथ उठाया या उसके खिलाफ कोई बात की तो मैं हशर कर दूंगा, समझी? तुम दो इधर। उस मासूम बच्ची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं देखा नहीं वो मासूम बच्ची किस तरह हाथ और मुंह जला रही थी। कसूर समरा का था, उसने उसकी गुड़िया उठा ली है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि वो सारे खिलौने समरा के हो चुके हैं और वो गुड़िया भी। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हारे? हसनफर, आपको क्या हो गया है? आप अचानक कैसे बदल सकते? पर तुमने मजबूर किया है मुझे। ये वही बच्ची है जिसकी वजह से तुमने समरा को हॉस्पिटल में बेयार और मददगार छोड़ दिया था। मेरे जहन से ये बात नहीं निकलती, नफरत हो गई है मुझे इस नाज़रीन से। हम नफरत नहीं कर सकते, बेटी है वो हमारी। नहीं, वो नहीं है बेटी हमारी, वो एक लवारिस बच्ची है जिसकी ना माँ का पता है और ना बाप का। लेकिन आप तो बेटी बनाकर लाए थे, एग्रीमेंट किया था, यकीन दिलाया था कि बेटी बनाकर रखेंगे। ना, ये सब कुछ किया था मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। और अगर मैं उसे यहाँ लाया हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे सर पे चढ़ के बैठे। एक सेकेंड, जब से वो यहाँ आई है मैं आपके ताने सुन रही हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करे। मेरी गलती नहीं है, वो दोनों एक साथ बीमार हुई थी, मैं क्या करती? बस बहुत सुन ली तुम्हारी, तो लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा इज्जत दे दी है, इतनी इज्जत की तुम काबिल नहीं हो। क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। मैं तुम्हें बताऊंगा
कि इस घर में किसकी क्या हैसियत है। समरा इस घर की मालकन है, खानदान की वारिस है, और ये नाज़रीन एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। राहिला, आपने तो कानूनी तौर पर बेटी बनाया था उसे। हाँ बनाया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि समरा आ जाएगी, वरना मैं किसी गैर के खून को उठाकर अपने घर में कभी नहीं लेकर आता। और अब वो अगर आ गई है तो बेहतर ही होगा कि वो एक नौकरानी बन के रहे। दैट्स ऑल। आपको तो नाज़नीन से प्यार हो गया, अचानक से बाप बन गए, क्या वो सब दिखावा था? बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। साहब खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा ले। तुम जाओ। ठीक है साहब। समरा ने खाना खा लिया? हाँ मैंने उसे खाना खिला के सुला दिया। तुम नहीं खाओगी? मैंने पूछा तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं मुझे भूख नहीं। मेरा बैग? ये तुम्हें कहाँ से मिला? लाओ मेरा बैग दो। जी नहीं, ये मेरा बैग है। मामी जी ने कहा था ये सारी चीजें मेरी है। उन्होंने सिर्फ तुम्हें खिलौनों का कहा था, और ये खिलौना नहीं है, मेरा बैग। लाओ मेरा बैग दो। मेरा बैग? अरे मेरा बैग दो। मेरा बैग दो। छोड़ो मेरा बैग। समरा मेरा बैग दो। नहीं मैं नहीं दूंगी। क्या बकवास लगाई? क्या कर रहे हैं आप?
अगर इससे कुछ हुआ ना तो मैं तो मुंह मोड़ चुका। फिक्र करने की कोई बात नहीं गजलफर साहब, सर में मामूली सी चोट लगी है, मैंने बैंडेज भी कर दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है, आप बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन डॉक्टर साहब ये मामूली चोट तो नहीं है, बहुत खून निकला है। हाँ हाँ, लेकिन बच्चों को इस किस्म की इंजरीज तो होती ही रहती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा ये जो चोट है इसका निशान तो नहीं पड़ जाएगा? गायब हो जाएगा इंशाल्लाह एक दो दिन में। थैंक यू। She will be all right. आप ठीक हैं? तो दुनिया जिसका नाम है और जिसका नाम है और मामा, डैडी को क्या हो गया? उन्होंने तो आज तक मुझे डांटा भी नहीं है और आज इतनी जोर जोर से मारा है, वो पहले जैसे नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, डैडी को कभी कभी गुस्सा भी तो आता है ना, और समरा का देखो कितना खून निकला, खून देखकर परेशान हो गए ना वो। आपने तो समरा को धक्का नहीं दिया ना, तो फिर उन्होंने आपको क्यों मारा? अभी आप बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो सब समझ जाओगी। समरा ने मुझसे हर चीज छीन ली, पहले डैडी मेरे थे वो भी उसके हो गए, मेरी बुक्स पेंसिल्स बैग सब कुछ उसे दे दिया, कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो हूं ना आपकी, मैं हूं ना आपकी। समरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, डैडी भी बहुत गंदे हैं। नहीं बेटा, इस तरह नहीं कहते, और समरा से तो बिल्कुल भी नहीं उलझना है, उसे जो चीज चाहिए वो जो चीज मांग रही उसे दे दो, मैं आपके लिए दूसरी चीजें लाऊंगी। नहीं चाहिए अब मुझे कुछ, आप प्लीज मुझे मेरी खाला के पास वापस जोड़ दें प्लीज। मुझे छोड़कर चली जाओगी, अपनी माँ को छोड़ दोगी तो? आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मुझे कब की छोड़ के चली गई। मैं तो हूँ तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हमारी समरा? हमारी नहीं, मेरी समरा, क्योंकि तुमने कभी इसको अपना समझा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अक्सर, पर आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ वही समझ रहा हूँ राजा, अब बदनसीबी है कि मैं देख ही गलत रहा हूँ, लेकिन समझ सही रहा हूँ। ठहर जाओ तुम, झूठी हमदर्दी और नकली प्यार से सिर्फ बच्चे बहलते हैं, पर मैं बच्चा नहीं हूं।
आजा मेरा बच्चा, आजा यहाँ पे लेट के आराम करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है मामा जी, नाजीन ने मुझे बहुत जोर से मारा है। बेटा डॉक्टर ने आपकी पट्टी भी कर दी है, आपको दवा भी लगा दी, जब आप सो के उठेंगी सब तकलीफ दूर हो जाएगी। रायला आंटी तो उसकी मम्मा है ना, के साथ ही रहती है, अगर मेरी मम्मा होती तो वो मुझे चोट नहीं लगा सकती थी। बेटा मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मामा तो है ना, और नाजनीन आपको आइंदा कभी नहीं मारेगी। मैं उससे ये हक ही छीन लूंगा जिसकी वजह से वो इस घर को अपना घर समझ बैठी है। आप अब सो जाएं, आप जब उठेंगी तो सारी तकलीफ दूर हो चुकी, ठीक है? तुम आराम करो, ठीक है? कुछ चाहिए होगा तो फिर मामू को आवाज दे, ओके? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। नहीं बोलो, अगर दिल में कोई है बात तो जबान पर लाओ। पहले कहते हैं चुप रहो, फिर डांटते हैं, मारते हैं, फिर कहते हैं जो दिल में है बोल दो। कितने बदल गए आप हसन। बदला मैंने, बदली तुम। तुम भूल गई हो कि शौहर शौहर होता है, उसे क्या पसंद होता है क्या नहीं पसंद होता, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब भूल चुकी हो तुम। कुछ नहीं भूली हूं। आपको पता है पहले तो आप मुंह से बात करते थे, अब तो आपके हाथ बात करने लगे। क्या बीवियां इसलिए होती हैं कि उन्हें डांटा जाए, मारा जाए, उन पर गुस्सा निकाला जाए? अगर बीवी एक बार गलती करे तो उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन अगर बार बार एक ही गलती की जाए तो फिर हाथ उठाना पड़ता है रहिला। और तुम उस बच्ची की हिमायत कर रही हो जिसने हमारी समरा का सर फाड़ दिया, न जाने आगे जाके वो क्या करेगी। बच्ची है वो, और उसका तो कसूर भी नहीं है। अच्छा वो बच्ची है तो समरा क्या है, क्या है तुम्हारी नजर में समरा, उसका क्या कसूर है? दोनों बच्चियां हैं, आप क्यों दोनों में फर्क कर रहे हैं? फर्क नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी अपनी बेटी को हक दिला रहा हूं। और नाज़नीन, उसका इस घर में कोई हक नहीं है। एक बात कान खोल कर सुनो, समरा हमारी बेटी है और इस घर पर सिर्फ उसका हक है, वही इस खानदान की वारिस बनेगी, बस। और नाज़नीन वो क्या है? नाज़नीन इस घर की मुलाजमत तो जरूर हो सकती है, लेकिन इस घर की वारिस कभी नहीं बन सकती। Thank you.
नाज़नीन ने घर की बारिश तो जरूर हो सकती, ये चीज है ऐसे। वेरी गुड वॉली शॉट, वेरी नाइस। ये बात कितना अच्छा खेल रही हो तुम। चलो वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन टू थ्री कैच इट, कम ऑन, वेरी गुड कैच। ये चीज नीचे से ऐसे, ये कम ऑन, नाइस, कितना अच्छा खेल रही हो तुम। बस डैडी को थका दिया तुमने तो भाई। देखो इससे मुक्का बनाओ, मुक्का, ठीक है, मारो मुक्का मारो, वेरी नाइस, कितना अच्छा खेल रहे हो। चलो भाई जूस आ गया, आजा, तुमने तो थका दिया मामा को। ने मेरा, मेरे डैडी भी छीन लिया। आप उसकी जिंदगी क्यों खराब करना चाह रहे हैं? लवारिस बच्चों की कोई जिंदगी नहीं होती। लवारिस नहीं है गजरफर, बेटी है हमारी। नासरीन का कमरा तुमने लॉक किया? नहीं बाजी। कौन लॉक कर सकता है, चाबियां तो तुम्हारे पास होती हैं। साहब ने बन के है बाजी। अब ये नौकरों के साथ रहेगी? होश में तो है आप? हाँ ये रहेगी नौकरों के साथ, क्योंकि ये एक नौकर है। ATV, सारे रंग हमारे।